अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के स्टूडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग इन जम्मू एंड कश्मीर कि जम्मू एंड कश्मीर में आप बीएससी नर्सिंग किस तरह से कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें या यूटी लद्दाख की बात करें, यहाँ पर हमारा क्या होता है कि जब कैंडिडेट ट्वेल्थ पास करता है मेडिकल स्ट्रीम में, उसका एक ही टारगेट होता है नीट। ठीक, नीट अगर उसका हो जाता है तो ठीक है, तो नहीं हो जाता है तो यह उसका सेकेंड ऑप्शन जो होता है वो होता है उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स का बीएससी नर्सिंग। इस बीच आपको पता होना चाहिए, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप बीएससी नर्सिंग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक, क्या उसकी प्रोसेस रहने वाली है, किस तरह से आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस आपको बीएससी नर्सिंग करवाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनमें एडमिशन आपको किसके बेस पे यहां पे मिलता है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में समझाने जा रहा हूं। वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं बीएससी नर्सिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, वैसे तो बीएससी नर्सिंग पे मैंने काफी सारे वीडियोस डाले, लेकिन ये टॉपिक जो है कई सारे कैंडिडेट्स के बीच में कंफ्यूजन है कि बीएससी नर्सिंग का कहां से कर सकते हैं, क्या कॉलेज वाले हमें खुद से एडमिशन दे देंगे या हमें कोई एंट्रेंस वगैरह क्रैक करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे ये वीडियो डालना पड़ा, मैं आपको इसमें डिटेल में समझा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं रहेगा। इसी तरह से हम बाकी कोर्सेज के बारे में भी वीडियो डालेंगे, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लेना किस किस कोर्स पर आपको चाहिए, उसके बारे में यहां पर हम वीडियो डालते रहेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, बीएससी नर्सिंग के बारे में थोड़ा सा यहां पर हम जान लेंगे। तो देखिए, जिन कैंडिडेट्स को बीएससी नर्सिंग के बारे में पता नहीं है उनको मैं थोड़ा सा बीएससी नर्सिंग के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखिए, बीएससी नर्सिंग जो होता है ये आपका प्रोफेशनल कोर्स है, 4 साल का कोर्स है। इसमें आपका 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स होना चाहिए, यानी कि इसमें आपका बायोलॉजी कंपलसरी है। फिर एडिशन में अगर आपका मैथ्स है तो ठीक है, अगर आपको सिर्फ मैथ्स है यानी कि पीसीएम है तो आप बीएससी नर्सिंग में एलिजिबल यहां पर नहीं है। बीएससी नर्सिंग में आपको बायोलॉजी होना चाहिए 11th 12th में, और इसमें आपको मिनिमम मार्क्स जो होने चाहिए वो 45% होने चाहिए अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप ओपन मेरिट से बिलोंग करते हैं तो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में, तब जाके आप यहां पे एलिजिबल माने जाओगे बीएससी नर्सिंग के लिए। अब देख लीजिए, बीएससी नर्सिंग में एक और भी मसला चलता है एज क्राइटेरिया के लेके। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में वैसे तो कुछ भी इसमें एज क्राइटेरिया जो होता है ऐसा जनरली कोई क्राइटेरिया होता नहीं, लेकिन मिनिमम आपको इसमें 17 ईयर्स की एज होती है, वो ऑब्वियसली हर कैंडिडेट को होती है जो 12th तक, मतलब 12th जो कैंडिडेट पास करता है 17-18 तो उसकी एज होती ही होती है। तो मिनिमम आपको 17 ईयर्स की इसमें एज भी यहां पर आपकी होनी चाहिए। वैसे अगर थोड़ा सा कम भी है तो ज्यादा इशू आपका यहां पे नहीं होगा, तो टेंशन लेने की यहां पे आपको बात कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया थोड़ा सा बीएससी नर्सिंग के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको दे दिया। अब देख लीजिए, हम यहां पे अगर बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आप किस तरह से बीएससी नर्सिंग यहां पर कर सकते हैं। देखिए, बीएससी नर्सिंग करने के लिए हमें कॉलेजेस, अगर मैं बताऊं आपको, कॉलेजेस यहां पर 35 जम्मू एंड कश्मीर में टोटल है, जिसमें 13 गवर्नमेंट कॉलेजेस और 22 प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इनका नाम भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इनकी एडमिशन प्रोसेस को देख लीजिए। इनकी जो एडमिशन प्रोसेस होती है, जैसे अगर आप बाहर की स्टेट्स का देख लोगे, वहां पे कॉलेजेस वाले खुद से एडमिशन दे देते हैं बीएससी नर्सिंग में, वहां पे आपको कुछ भी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी खुद से दे देती है, या कॉलेजेस वाले खुद से, प्राइवेट हो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो, वो खुद से एडमिशन देते थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहां पर आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज, कोई भी सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आपको बीएससी नर्सिंग के लिए जम्मू कश्मीर में एडमिशन खुद से नहीं दे सकता है। तो एडमिशन कहां से होंगे, वो सारे के सारे एडमिशन आपके जो होते हैं वो जेके बोपी के अंडर होते हैं। ठीक, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हमारा है वो इसके एडमिशन तमाम कॉलेजेस, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, उनको यहां पे दे देते हैं। तो उसमें किस तरह से वो उनको एडमिशन दे देते हैं, देखिए, जेके बोपी अपने एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करता है, रिलीज करने के बाद वो कैंडिडेट्स का एंट्रेंस लेती है। ठीक, जिस एंट्रेंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी सिलेबस वगैरह भी प्रोवाइड किया है, तो एंट्रेंस लेने के बाद जो कैंडिडेट एंट्रेंस क्वालिफाई करेगा, ठीक, उस हिसाब से वो इन कैंडिडेट्स को डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में, डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कैंडिडेट्स को दे देते हैं। ठीक, तो कॉलेजेस वाले आपको खुद से एडमिशन कहीं पे नहीं देंगे। जम्मू एंड कश्मीर या यूटी लद्दाख को लेके एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका होता है जो जेके वो भी कंडक्ट करता है। ठीक, उसमें आपको पीसीबी क्लास 11th क्लास 12th का सिलेबस रहता है, उसी के बेस पे यहां पे आपको कॉलेजेस में एडमिशन यहां पे आपका मिलेगा। अब कौन कौन सा कॉलेज है आपको जिसमें यहां पे आपका एडमिशन मिल सकता है, पहले अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस का बताऊं, जम्मू की तरफ यहां पे हम चलते हैं। इसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर जम्मू, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांगियाल जम्मू, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रियासी, जीएनसी उधमपुर, जीएनसी अखनूर, जीएनसी डोडा, जीएनसी किश्तवाड़, उस तरह से नीचे यहाँ पे हम चलेंगे, जीएनसी शेरिन बाग श्रीनगर, उसके बाद जीएनसी बागी दिलावर खान श्रीनगर, उसके बाद जीएनसी मेडिकल कॉलेज जो हमारा जीएमसी बारामूला है वो, और उसके बाद यहाँ पे आपका मदर मेहरबान कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो सिक्किम सोरा की यहाँ पे ब्रांच है।
तो गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे 13 है। उसके बाद अगर मैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के 3 ब्रांचेज हैं, एक राजौरी में है, एक किश्तवाड़ में है और एक जम्मू में है। उसके बाद कश्मीर की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसमें सईद मुंतकवी कॉलेज है, उसके बाद अलमदार कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, उसके बाद साउथ कैंपस अनंतनाग है। ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बाकी के जितने भी कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, जिनमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे एसकॉम्स है, उसके बाद राजीव गांधी कॉलेज है, बीएन कॉलेज है, स्टेफन है, दाता रणपत देव कॉलेज है, उसके बाद बाबा मान सिंह है, कई सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। टोटल यहाँ पे आपको 35 कॉलेजेस देखने को मिलेंगे जिनमें आपको बीएससी नर्सिंग यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया थोड़ा सा आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में। आप देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म्स की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब से आ जाएंगे, देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने के इस वीक में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इस वीक में आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स बीएससी नर्सिंग के लिए आ सकते हैं, 90% चांसेस है। अगर इस वीक में नहीं आए तो अगले वीक में जो वो डेफिनेटली आ जाएंगे, वैसे इस वीक में तो आ ही जाएंगे, इस वीक में जो ही आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो ही आपके आ जाएंगे, आपको क्या काम करना पड़ेगा, जेके पोपी की वेबसाइट पर जाके वहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 1000 फी लगेगा, वो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन फी पे करना पड़ेगा। फी जब आप अपनी पे कर लोगे, ठीक, फी पे करने के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपका यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। एडमिट कार्ड्स आने के बाद आपका एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस जो आपका होता है वो जम्मू में भी होता है और कश्मीर में भी होता है। ठीक, दोनों जगहों पे जो यूटी लद्दाख वाले होते हैं वो जम्मू भी जा सकते हैं, श्रीनगर भी जा सकते हैं, दोनों जगहों में कहीं पे भी आप एंट्रेंस यहाँ पे अपना दे सकते हैं। तो एंट्रेंस देने के बाद क्या होता है, आपका रिजल्ट आ जाता है, 15-20 दिनों के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें आपका स्कोर वगैरह मेंशन होता है, किस कैंडिडेट का कितना स्कोर है। वो रिजल्ट देखने के बाद आपको जो है फिर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, काउंसलिंग के लिए बुलाया किस तरह से जाएगा, आपके मार्क्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट राउंड में 60 मार्क्स तक के कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा तो वो कैंडिडेट्स काउंसलिंग में जाएंगे, वहां पे आपको फिर से काउंसलिंग में 1000 फी पे करना पड़ेगा, काउंसलिंग की फी। उसके बाद फी पे करने के बाद आपको वहां पे काउंसलिंग फॉर्म एक मिलेगा, जिसमें आपको 7 से 8 कॉलेजेस का नाम लिखना पड़ेगा जिनमें आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो। ठीक, उसमें आपकी मर्जी है, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस रखो, प्राइवेट कॉलेजेस रखो, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस रखो, वो आप रखने के बाद आपको फिर देखा जाएगा क्या ये इस कैंडिडेट, ये कैंडिडेट जब ये इस कॉलेज के कट ऑफ में आता है या नहीं आता है। अगर आपका आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक, वो सबमिट करने के बाद 10-15 दिनों बाद आपका यहाँ पे, सॉरी 10-15 दिन तो नहीं, वैसे 10 दिन काउंसलिंग चलती है, उसके 2 से 3 दिन बाद आपकी वहाँ से जो है वो सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है जेके बोपी की तरफ से, जिसमें मेंशन होता है किस कैंडिडेट को बीएससी नर्सिंग में कौन सा कॉलेज आपका मिला है। ठीक, वो मिलने के बाद आपको 10 से 15 दिनों का टाइम दिया जाएगा, उस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, रिपोर्ट करने के बाद आपको वहाँ पर एडमिशन करना पड़ेगा, एडमिशन करने के बाद आपको फी वगैरह अपनी जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो हो गया यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस को लेकर भी आपका कन्फ्यूजन क्लियर। अब डॉक्यूमेंट्स की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है वो आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट उन कैंडिडेट्स को लगेगी जिन्होंने 12th पास किया है, जो कैंडिडेट अभी 12th में एग्जाम दे रहे हैं उनको 12th की मार्कशीट नहीं लगेगी। 10th की डेट ऑफ बर्थ आपको लगेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी वो आपके पास होनी चाहिए। यूटी लद्दाख के कैंडिडेट जो होंगे वो एसटीक सर्टिफिकेट चला सकते हैं, उसमें कैटेगरी अगर आपके पास है कोई तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपका आधार कार्ड वगैरह, फोटोग्राफ, सिग्नेचर वगैरह, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। एडिशन इसमें कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आपको बाहर से बनाने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। तो अब यहाँ तक तो आ गया समझ आपको डॉक्यूमेंट्स में भी। अब फी स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो फी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होगा। ठीक, देखिए फी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने सारे कॉलेजेस, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस का एक डिटेल्ड वीडियो डाला है 10-15 मिनट का, जितने भी कॉलेज जम्मू कश्मीर में उनका फी स्ट्रक्चर, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रफली समझा देता हूँ। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज जो 13 हैं इनमें आपको 15,000 के आसपास फी ईयरली लगेगा। ठीक, 15,000 से लेकर 20,000 तक। कुछ कॉलेजेस में जैसे आपका जीएनसी अखनूर है, जीएनसी डोडा है, या जीएनसी अनंतनाग है, इनमें आपको 9,000 जो है वो फी यहाँ पे आपको 9,900 आपको फी लगेगी, और बाकी के कुछ कॉलेजेस में आपको 10,000 लगेगी, कुछ में 15,000 लगेगी। ओवरऑल आप मान के चलिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको 15,000 से लेकर 20,000 कुछ कॉलेजेस में आपको जाएगा, कुछ कॉलेजेस में आपको 9,000 तक जाएगा। मान के चलिए 15,000 के आसपास आपको जो है वो एवरेज इन फीस आपको ईयरली जाएगी। ठीक, हॉस्टल वगैरह को छोड़ के, हॉस्टल आपको सेपरेटली आपकी मर्जी, हॉस्टल में रहो या प्राइवेट पीजी रहो या रूम पे आप रहो, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो इतनी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में फी रहेगी। अब किसी कैंडिडेट का अगर प्राइवेट कॉलेज मिला तो भैया उसमें आपको फी काफी ज्यादा लगेगी, कुछ में आपको 70,000 लगेगी, कुछ में आपको 80,000 लगेगी, कुछ में आपको 90,000 लगेगी, और एसकॉम्स जो है उसमें आपको 1,15,000 आपका ईयरली फी जाएगा हॉस्टल वगैरह को छोड़ के। हॉस्टल आपको फिर सेपरेट देना पड़ेगा, ये फी मैं आपको कॉलेज की फी बता रहा हूं, हॉस्टल की फी आपको जो है अलग से देना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेजेस में आपको जो है वो 60, 70, 80 और 90,000 तक भी जाएगा, और एसकॉम्स
उसमें आपको 115,000 एक ईयर की फी लगेगी। फिर 4 साल का कोर्स है, फिर उसमें आप मल्टीप्लाइड बाय 4 कर सकते हैं और देख सकते हैं कितनी फी आपको यहाँ पे लग सकती है। तो हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ, हॉस्टल आपको कुछ कॉलेजेस में मिलेगा, कुछ कॉलेजेस में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, वहाँ पे आप पीजी में रह सकते हैं या रेंट पे रह सकते हैं, वो आपको अपनी मर्जी है। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें जिसमें बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस आती हैं या जो 2-3 और ब्रांचेस मैंने आपको बोली, उसमें आपको 40,000 से लेकर 50,000 तक फी जाएगी। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में आपको 48,000 जाएगी, तो बाकी में भी आपको 50,000 के आसपास ईयरली आपको कोर्स कॉलेज की फी जाएगी। फिर 4 साल उसमें आप देख सकते हैं और हॉस्टल वगैरह उसमें आपको सेपरेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फी स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको मैंने बता दिया, एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी बता दिया, मैंने सिलेक्शन का प्रोसीजर भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बता देंगे, ठीक। अगर आप एंट्रेंस देने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कितना सेफ स्कोर मुझे लाना है ताकि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। उसको समझने से पहले मैं आपको कुछ टॉप कॉलेजेस का नाम बता देता हूँ। देखिए टॉप कॉलेजेस का मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ, सबसे पहले यहाँ पे आपका आ जाता है 22 नंबर पे, अगर आप देख लोगे मदर मेहरबान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सिक्किम सूरा की ब्रांच है, ये श्रीनगर में है, ये सबसे नंबर 1 पे कॉलेज है। उसके बाद नंबर टू की अगर मैं बात करूँ, नंबर 2 पे आपका है जीएमसी श्रीनगर, ठीक, जीएमसी श्रीनगर की जो ब्रांच है वो। नंबर 3 पे आप जीएमसी जम्मू या जीएमसी बारामूला रख सकते हैं। तो ये 3-4 कॉलेजेस आपको टॉप कॉलेजेस हैं। उसके बाद जीएमसी अनंतनाग आप रख सकते हैं, और ये जो है वो 2-4 कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस हैं जिनमें स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं सारे कैंडिडेट जाने का। तो ये 2-4 कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। इनमें अगर आप कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपको डिफरेंट रहता है हर कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेजेस में आपको कम कट ऑफ जाएगा, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको थोड़ा मीडियम लेवल का कट ऑफ जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको टॉप कॉलेजेस में हाई कट ऑफ जाएगा, और दूर दराज के कॉलेजेस में आपको जो है वो थोड़ा सा कम कट ऑफ यहां पे जा सकता है। सबसे ज्यादा कट ऑफ अगर देखें हम, वो आपका सिक्किम सोरा में होता है, मदर मेहरबान ब्रांच जो है उसमें होता है, उसके बाद आपका सिक्किम जीएमसी श्रीनगर में होता है, उसके बाद जीएमसी बारामूला और जीएमसी जम्मू की ब्रांचेस जो है उनमें यहाँ पे आपका हो जाता है। तो उसके बाद फिर बाकी कॉलेजेस में आपका यहाँ पे फिर कम कट ऑफ हो जाता है। सबसे कम की बात करें, सबसे कम प्राइवेट कॉलेजेस में होता है, और प्राइवेट कॉलेजेस कौन से, जो जम्मू के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें आपको सबसे कम कट ऑफ जाता है एज कम्पेयर टू कश्मीर, उनमें आपको काफ़ी कम जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर मैं कम कट ऑफ की बात करूँ, उसमें यहाँ पे आपको जीएनसी रियासी, उधमपुर, अखनूर, डोडा, किश्तवाड़, इन कॉलेजेस में आपको जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में कम कट ऑफ यहाँ पे आपको जा सकता है। तो टॉप कॉलेजेस जो मैंने आपको 3-4 कॉलेजेस में बताए, उसमें अगर आप सिक्किम सोरा में करना चाहते हैं तो 85 के प्लस आप टारगेट रख लीजिए, तो अगर आप कैटेगरी से हैं तो 90 के प्लस रख लीजिए अगर आप ओपन मेरिट से हैं। तो जीएमसी श्रीनगर की बात करें 80 के प्लस आप रख लीजिए, और जीएमसी बारामूला, अनंतनाग और उसके साथ साथ जीएमसी जम्मू की बात करें 75 के प्लस यहाँ पे आप कट ऑफ अपना जो है वो रख सकते हैं, सेफ स्कोर अपना रख सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस में काफ़ी कम कट ऑफ जाता है, किसी में 40 भी जाता है, किसी में 50 भी जाता है, किसी में 35 तक भी जाता है। तो फार्मर्स की मैंने आपको बोला कि अगले हफ्ते तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म लग जाएंगे। तो ये था वीडियो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन्स के बारे में, जो मैंने आपको पूरे जो सब कुछ समझाने की पूरी कोशिश की। अभी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या किसी और कोर्स के बारे में आपको वीडियो चाहिए आप उसका भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके बारे में अभी आपको डिटेल्ड वीडियो जो है वो अपलोड करेंगे।